स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं डीएनडी पर मौजूद हूं और ये जो इलाका है दिल्ली नोएडा को जोड़ता है, और अगर आप देखें यहां पर तो एक एक गाड़ियों की बकायदा चेकिंग की जा रही है। जो भी संदिग्ध लोग दिख रहे हैं उनको बकायदा रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बकायदा यहाँ बैरिकेड लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। आप एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लोगों की पहचान की जा रही है। और आपको बता दूं कि बकायदा यहाँ पर क्रेन भी खड़ी की गई है, यानी अगर कोई आपात स्थिति होती है, खासकर बॉर्डर पर जो बैठे किसान हैं वो दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। जिस तरह के अनुभव पिछले 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस को हुए थे, उसके बाद से एहतियात के तौर पर यहाँ पर क्रेन खड़ी कर दी गई है, बैरिकेटिंग की गई है। पुलिस की बकायदा बस भी है, अगर कोई आता है तो हिरासत में लेकर उसे इसी बस में डालकर ले जाया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। तमाम गाड़ियों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। लगभग दिल्ली नोएडा से सटे जितने बॉर्डर हैं वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। एक बॉर्डर को, कुछ बॉर्डर ऐसे हैं जिनको सील भी किया गया है। अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम जो दिल्ली है और वहाँ पर देखने को मिल रहा है।